सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं सुबह के 5 बजे जग जाती हूँ। उठ करके मुँह धोकर के कुल्ला करके सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ। मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, उसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला है और अब डाल रही हूँ मैं अदरक। अदरक को मैं उबालूँगी अच्छी तरह से। अदरक उबल गई है, अब डालूँगी इसमें मैं चाय की पत्ती। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पीते, 1.5 चम्मच पत्ती डालिए बस। अब डाला है हमने 1 कप दूध। अब इसको उबालेंगे हम, चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड के डायबिटीज़ है। 2 कप चाय बना रही हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। चीनी अपने में ऊपर से डाल लेती हूँ। चाय उबल गई है मेरी, गैस बंद कर देंगे। अब चाय को हम छान लेंगे। अब हमारा नाश्ते का टाइम हो गया है, 8 बज रहे हैं। 8 बजे मेरे हस्बैंड जाते हैं, नाश्ता करके जाते हैं, स्कूल जाते हैं 8 बजे। तो मैं उनके लिए 2 पराठे सेक रही हूँ नाश्ते के लिए। पराठे को वो दही से खाएंगे, कभी सब्जी से भी खा लेते हैं या कुछ और नाश्ता कर लेते हैं। आज मैं पराठे सेक रही हूँ। पराठे में मैंने आटे में मैंने जीरा डाला है, हींग डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसमें थोड़ा सा मसाला डाल लो अगर, और इसको आप दही से खाइए सुबह के नाश्ते में, बहुत टेस्टी लगता है। नाश्ते में 2 ही पराठे करते इसलिए मैं 2 पराठे सेकूंगी बस नाश्ते में, और बाकी सबके लिए मैं दूसरा नाश्ता तैयार करूंगी। बच्चों ने दूसरी फरमाइश करी नाश्ते के लिए, उनके लिए मैं कुछ और बनाऊंगी। उन्हें पराठे नहीं खाने हैं। इसमें आप चाहें अगर आटे में तो बेसन डाल सकते हैं, उससे पराठे बहुत अच्छे बन जाते हैं खाने में। अपना टेस्ट बना करके बनाइए आप। तैयार हो गए हैं पराठे हमारे, गैस बंद कर दूंगी। अब पहले मैं गैस को साफ़ कर दूंगी। इस पे जो आटा झड़ता है सूखा, उसे थोड़ा सा गंदा लगता है, सफाई करके फिर मैं दूसरा नाश्ता बनाऊँगी। मैं हमेशा बनाने के बाद पूरी स्लैब को साफ़ करती हूँ और गैस को साफ़ करती हूँ, फिर बनाती हूँ। अब सारा सामान एक साइड में रख देंगे हम झाड़ करके। देखिए सफाई हो गई है बस हमारी। हम तैयार करेंगे दूसरा नाश्ता, उसके लिए हमने कढ़ाई गर्म करने रख दी है। पहले हम कढ़ाई को पोंछेंगे, गैस जला देंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, गरम हो गया है। डालेंगे जीरा, हींग, अब डालेंगे 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई और 1 हरी मिर्च कटी हुई। इसको हम भूनेंगे। प्याज भुन गई है, इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी चने की दाल। चने की दाल को मैंने धो करके 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था, थोड़ी सी फूल गई थी दाल। अब उसको भी डाल करके हम भून लेंगे। दाल भुन गई है, थोड़े से मसाले डालेंगे, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अपने स्वाद के अनुसार थोड़े से मसाले डाल देंगे, जो आप खाने हो मसाले। अब सबको भून लेंगे हम। इसमें डाल दिया हमने आधा कटोरी ओट्स, प्लेन ओट्स है। इसको भून लेंगे ओट्स को मसालों के साथ। अब डालेंगे इसमें हम पानी, पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है ओट्स में, ताकि ओट्स अच्छी तरह से फूल सके पानी में। सबको मिला देंगे अच्छी तरह। अब डालेंगे इसमें हम नमक और मिलाएंगे अच्छे से। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना पाउडर, इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है ओट्स का। कभी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के ऐसे। अब इसको ढक देंगे और इसको पकने देंगे। 1 उबाल आने तक गैस को हम तेज़ करेंगे। अब गैस को हम धीमा कर देंगे। देखिए तैयार हो गया है ओट्स। इसको इतना ही पतला रहने देंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अब बच्चों को हम दे देंगे। तैयार हो गया नाश्ता कंप्लीट। अब हम तैयारी करेंगे लंच की। 12 बज रहे हैं, 8 से 9 के बीच में नाश्ता होता है। अब लंच की बारी है, 12 बज गए हैं। लंच बना रही हूँ मैं अरहर की दाल। उसको हमने आधे घंटे के लिए पानी भिगो के रख दिया था, धो करके। दाल फूल गई थी। अब कुकर में दाल डाल दी हमने और 1 टमाटर बारीक कटा और 2 हरी मिर्च बारीक कट डाल दिए। उसमें हल्दी नमक डाल दिया है और पानी डाल दिया है। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और गैस को जला देंगे। इसको 2 सीटी आने तक बनने देंगे दाल को। 2 सीटी आ चुकी है, गैस बंद कर दी हमने।
अब दाल थोड़ी सी गैस निकल जाए उतनी देर में हम आटा तैयार कर लेंगे। आटे में नमक डाल दिया, आटा तैयार हो गया गूंथ करके रोटी के लिए। कुकर अलग रख देंगे। अब दाल में तड़का तैयार करेंगे। एक चम्मच घी गरम करेंगे, इसमें डालेंगे जीरा, हींग, साबुत लाल मिर्च और सबको भूनेंगे। गैस बंद कर देंगे, डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब कुकर का ढक्कन खोलेंगे, दाल बन चुकी है। दाल को इसमें हम डाल देंगे तड़के में। अरहर की दाल बनके तैयार है लंच के लिए। अब इसको ढक करके हम रख देंगे एक साइड में। हम बनाएंगे चावल। हमने एक कटोरी चावल लिए थे, धो करके उसको भिगो दिया था 30 मिनट के लिए। एक कटोरी चावल में हम करीब 2 कटोरी पानी डालेंगे। हमने अंदाज से 2 कटोरी पानी डाला है इसमें। ढक्कन लगा देंगे कुकर का, गैस जला देंगे और 1 सीटी आने तक बनने देंगे। 1 सीटी में चावल बन जाते हैं। बन गए चावल, गैस बंद कर दिए। हम बनाएंगे रायता दही का। दही को हमने फेंट लिया है, उसमें डाल दिया नमक, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, हींग, थोड़ा सा पुदीना पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सबको मिलाएंगे अच्छे से। अब डालेंगे थोड़ा सा पानी इसमें हम, और डालेंगे हम 2 चम्मच बूंदी। अब इसको रख देंगे, तैयार हो गया रायता। हम रोटी सेकेंगे, तवे गरम कर लेंगे गैस जला कर। तवा गरम हो रहा है, अपनी देर में हम रोटी बेल लेते हैं। लंच हमारा 1 से 1.5 के बीच में होता है। अब रोटी हम सेक लेंगे। एक रोटी सेक रही है, उतनी देर में हम दूसरी रोटी बेल लेते हैं। रोटी ज़्यादा नहीं बनानी है क्योंकि चावल बनाए हैं मैंने आज। बिल्कुल सिंपल खाना बना रही हूँ मैं, अक्सर मैं सिंपल खाना ही बनाती हूँ ज़्यादातर। बस रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, सिक गई हैं। हम रोटी में थोड़ा सा घी लगा देंगे। लंच हमारा तैयार हो गया है। हम पूरी गैस को साफ कर देंगे, पूरे किचन की क्लीन कर देंगे अच्छी तरह से। साफ करके बंद कर देंगे सब कुछ। अब मुझे किचन की साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। कभी भी कुछ बना कर ज़रूर साफ़ कीजिए किचन को आप, उससे दोबारा जब भी कुछ बनाएंगे तो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। अब शाम के 4 बज रहे हैं, चाय का टाइम हो गया है। हमने लिया है 1.5 कप पानी, इसमें डालेंगे अदरक। हम 2 कप चाय बनती है बस, और डाल देंगे चाय पत्ती और उबालेंगे। 1 कप दूध डालेंगे, उबालेंगे, चीनी नहीं डालेंगे। आपको हमने बताया था कि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है, तो हम चीनी ऊपर से मैं अपने में डालती हूँ। चाय बन चुकी है, गैस बंद कर देंगे। अब चाय को हम छानेंगे। अपने कप में मैंने चीनी पहले से डाल दी थी, अब चीनी को हम मिला लेंगे। और हम शाम की चाय बिस्किट और नमकीन के साथ आज ले जा रहे हैं। तैयार है हमारे शाम की चाय। हम रात का डिनर तैयार करते हैं। शाम के 7 बज रहे हैं, तो डिनर हमारा करीब 8 से 8:30 के बीच में होता है। तेल गरम कर लिया 1 चम्मच, उसमें डाला है हमने हींग, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, सबको भूनेंगे। और मैं बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी। तुरई को मैंने काट लिया है छील करके छोटे छोटे पीसों में। बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी सब्ज़ी। और हींग थोड़ी ज़्यादा डाली है मैंने, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टमाटर बारीक कटा हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। नमक डाल देंगे, थोड़ा सा गर्म मसाला। अब सबको मिलाएंगे अच्छे से। और इसमें पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि तुरई में बहुत मॉइस्चर होता है। ढक देंगे। देखिए कितना पानी अपने आप छोड़ दिया तुरई ने। गल चुकी है सब्ज़ी, तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही हींग की। गैस बंद कर दिए, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। हम सेकेंगे पराठे। डिनर में पराठे के लिए बोला है सबने, तो तुरई से पराठे खाएंगे। सबको बहुत अच्छे लगते हैं सब्ज़ी से पराठे। सिंपल सब्जी, उसके साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और जब भी हम सब्ज़ी कोई मसाले की बनाते हैं तो उसके साथ रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए आज मैं पराठे बनाऊँगी रात में। तो मैं पराठे सेक करके रख लेती हूँ सारे। मैं सबके लिए खाना इकट्ठा सेक करके रख लेती हूँ लंच का, फिर डिनर में भी इकट्ठा सेक करके रख लेती हूँ। सब एक साथ खाते हैं। लंच कभी कभी अलग अलग हो जाता है, लेकिन डिनर अक्सर हमारा एक साथ होता है। मैं सब खाना बना करके रख लूँगी, फिर डिनर करते हैं रात में 8 से 8:30 के बीच में।
बस पराठे मेरे सीखने वाले हैं सारे, तैयार है हमारा डिनर भी। बहुत सिंपल बनाया डिनर मैंने, ज़्यादातर डिनर हल्का बनाती, तैयार है हमारा डिनर भी। देखिए अब मैं गैस को अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी पूरी, और बिल्कुल किचन को क्लीन करके तब मैं सोती हूँ रात में। और अब बताइएगा आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो मैं आपको अपने डेली किचन में क्या क्या बनाती हूँ रोज़ सुबह से शाम तक खाने में, और वीडियो भी डालूँगी मैं आपको अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको अच्छी कैसी लगी, क्लीन कर दिया।